विषय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जांपल है, हेडिंग है सॉल्व फॉर एक्स। जो गिवन इक्वेशन है, एक्स माइनस वन बाई एक्स टू द पावर ऑफ वन बाई टू प्लस ऑफ वन माइनस वन बाई एक्स टू द पावर ऑफ वन बाई टू इक्वल्स एक्स, ये गिवन है। यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सोल्यूशन में जो गिवन इक्वेशन है वो ध्यान से देखिए। तो गिवन है x माइनस वन बाई एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई एक्स टू द पावर वन बाई टू इक्वल्स x है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ये x माइनस वन बाई एक्स टू द पावर वन बाई टू है, इसे हम क्या करेंगे, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, हम सपोज ये हम लेट करेंगे। नेक्स्ट ये वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स होल टू द पावर वन बाई टू है, इसे हम लेफ्ट करेंगे यन, ठीक है। तब ये इक्वेशन बनेगा, ये क्या बनेगा ऊपर का, एक्स माइनस वन बाई एक्स होल टू द पावर ऑफ वन बाई टू इस यम रहा तो ये यम बनते है, प्लस ये क्या बनते है यन है, तो ये यन बनते है इक्वल्स एक्स, इक्वल्स है एक्स है। तो ये इक्वेशन नंबर वन समझ लो। यहाँ पर देखिए x माइनस वन बाई एक्स होल टू द पावर ऑफ वन बाई टू इक्वल्स यम हम लेट किया है, अगर इसे स्क्वेयरिंग किया तो ये क्या बनता है, ये बनेगा, अगर यम स्क्वेयर किया हम तब ये बनता है x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, इतना ही बनता है क्योंकि ये वन बाई टू पावर में है, तो अगर इसे स्क्वेयरिंग किया तो ये स्क्वेयरिंग ये दोनों कट हो जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा इक्वल्स एक्स माइनस वन बाई एक्स, इतना ही रहेगा क्योंकि ये दोनों कट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यम स्क्वेयर इक्वल्स क्या आ रहे हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो ठीक इसी तरह अगर इसे स्क्वेयरिंग किया तो ये क्या बनता है, यम स्क्वेयर इक्वल्स ये स्क्वेयरिंग और ये वन बाई टू कट हो जाएगा तो वन माइनस वन बाई एक्स यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, ओके। तो हम यहाँ पर ये दो मेरा वैल्यू हमें एम स्क्वायर का इक्वल्स, एम स्क्वायर इक्वल्स एक्स माइनस वन बाई एक्स, एन स्क्वायर इक्वल्स वन माइनस वन बाई एक्स। तो हम यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करेंगे, माइनस कर दो इक्वल्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, वो एम स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस ऑफ वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो इक्वल्स एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स, तो माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स निकल गया तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा एक्स माइनस वन, यानी एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल्स एक्स माइनस वन, ये हमें वैल्यू मिला। तो एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर के जैसे हैं, तो इसे हम एम माइनस एन टाइम्स एम प्लस एन हम लिख सकते हैं इसे, तो एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर ही हो जाएगा इक्वल्स एक्स माइनस वन आ जाएगा या जो जाएगा। तो हमें मालूम है यहाँ m माइनस एन इंटू एम प्लस एन इक्वल्स एक्स माइनस वन आ गया, तो m प्लस वन इक्वल्स एक्स ये फ्रॉम इक्वेशन वन हमें मालूम है। तो ये m माइनस एन या जो रखो तो m प्लस एन की जगह में हम x पुट करेंगे तो x हो गया इक्वल्स एक्स माइनस वन या जो, ठीक है। तो हमें ये अगर x निकालना है तो दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, राइट साइड लेफ्ट साइड में भी, लेफ्ट साइड में डिवाइड किया और राइट साइड में भी एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स कर दो, तो ये एक्स निकल जाएगा। तो एम माइनस एन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स बनेगा, ओके। तो यहाँ पर एम माइनस एन इज इक्वल टू यहाँ पर वन आ जाएगा तो वन माइनस वन बाई एक्स, ये इक्वेशन नंबर टू समझ लो। तो हमें हमारे पास अभी m प्लस एन इक्वल्स एक्स मिला, m माइनस एन इक्वल्स वन माइनस वन बाई एक्स मिला, यहाँ पर नोट कर लेंगे m प्लस एन इक्वल्स एक्स m माइनस एन इक्वल्स वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो दोनों ऐड करेंगे हम, ऐड इक्वेशन वन प्लस टू क्या है, एम प्लस एन इक्वल्स एक्स, एम माइनस एन इक्वल्स
क्या है, 1 माइनस 1 एक्स। ठीक है, अगर दोनों ऐड किया तो ये प्लस एन माइनस एन दोनों कट हो जाएगा, एम प्लस एम मीन्स 2m रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर x प्लस 1 माइनस 1 एक्स आएगा। ठीक है, तो 2m इज इक्वल टू ये x पहले लिख लो माइनस 1 बाई एक्स, इसके साथ लिखो प्लस 1 लास्ट में ले लो। लेकिन हमें मालूम है x माइनस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स इज एम स्क्वेयर। यहाँ पर देखो x माइनस 1 बाई एक्स इज एम स्क्वेयर, तो एम स्क्वेयर इसकी इस जगह में हम एम स्क्वेयर पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 एज यूजुअल है, तो ये 2m एज यूजुअल, तो ये 2m राइट साइड में लो, तब ये बनता है एम स्क्वेयर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल 0। अभी ये देखो एम स्क्वेयर माइनस 2m प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ m माइनस 1 होल स्क्वायर है, परफेक्ट होल स्क्वेयर ऑफ m माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इक्वल 0। अगर m माइनस 1 होल स्क्वायर 0 है तो m माइनस 1 इक्वल्स भी 0 होते, तो m इक्वल्स प्लस 1। ये हमें m का वैल्यू मिला क्योंकि ये राइट साइड मिली है। अगर m का वैल्यू हमें मिला 1 है, तो हमें मालूम है m स्क्वायर इक्वल्स x माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो m स्क्वायर इक्वल्स x माइनस 1 बाई एक्स हमें पता है, तो m स्क्वायर इक्वल्स 1 बोलते हो, 1 इसके m के जगह में 1 का वैल्यू रखो तो 1 स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया x माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो 1 समझ लो, तो 1 इक्वल्स यहाँ पर x एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर बनेगा, ये 1 बनेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी ये x इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो ये x ये साइड में लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो वो ये इक्वल्स 1 हो जाएगा, और बी का एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव 1 है, तो वो बी का वैल्यू हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट माइनस 1 है, तो वो सी इक्वल्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स फॉर्मूला क्या है, माइनस बी टाइम्स प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। इस इक्वेशन में ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल्स माइनस ऑफ माइनस बी तो माइनस 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज नेगेटिव 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज 1। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 होते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, 4 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 4 ही बनते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। यानी एक्स का वैल्यू हमें 2 मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। ठीक है, तो हम दोनों इधर नोट कर लेंगे, एक्स इक्वल्स 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये एक मिला, दूसरा मिल रहे एक्स इक्वल्स 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जो x इक्वल्स 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड टू 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ये जो है ये स्मॉलर देन 0 है। अब 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड टू मीन स्मॉलर देन 0 होते हैं, तो x का जो हमें फंक्शन क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स इज टू द पावर 1 बाई 2 है, यानी स्क्वायर रूट है, दोनों ये भी दो स्क्वायर रूट है, ये भी रूट स्क्वायर रूट है, x का ये है स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट कभी भी ये इसका मतलब ये क्या होता है, ये नेगेटिव में आता है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव कभी भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर नहीं रहता है, तो इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। ओके, ओनली इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्स इक्वल्स 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2
ये इस इक्वेशंस का आंसर है। और इसे गोल्डन रेशियो भी हम बोलते हैं, गोल्डन रेशियो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।